डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुरेंद्र कुमार सिंह फ्रॉम SJS मोतिहारी। आज हम लोग चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर करेंगे साइंस का। क्लास 6 का साइंस का सेकंड चैप्टर है कंपोनेंट ऑफ फूड। इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसमें पहला है चैप्टर 2 का पहला है ए में चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट। इसमें दिया है ब्रोकोली, केक्स, कैरोट। इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ विटामिन। इसमें ऑप्शन सी होगा, ऑरेंजेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रेस मिनरल। इसमें सी नंबर ऑप्शन होगा, आयरन। इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ विटामिन ए इन द डाइट कैन कॉज, बी नंबर होगा, पुअर विजन। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज, ए नंबर होगा, रिकेट्स। फिल इन द ब्लैंक्स में अब हम लोग बी में आए। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड। इसमें पहला है बटर इज रिच इन, भरेंगे इसमें फैट। द विटामिन दैट इज कॉल्ड द सनसन विटामिन इज विटामिन डी। कोबाल्ट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ ट्रेस मिनरल, भरेंगे क्या, ट्रेस मिनरल। एनेमिया इज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ आयरन इन द बॉडी। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम स्वेलन ग्लैंड इन द नेक हैज .. गॉइटर, भरेंगे इसमें। आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे हम लोग करेंगे आंसर ट्रू या फॉल्स है। सो स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। एज फैट्स हैव हायर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स, दे कैन बी कंज्यूम्ड इन प्लेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन इक्वल अमाउंट। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसके बाद सेकेंड नंबर है द 13 काइंड ऑफ विटामिन आर फाउंड इन एनिमल सोर्सेज ऑफ फूड। यह भी स्टेटमेंट फॉल्स है। थ्री नंबर में सी का ईटिंग ओनली वन टाइप ऑफ फूड प्रोवाइड द बॉडी विथ ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स। ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। कैल्शियम मेक्स द बोन स्ट्रॉन्ग, ये ट्रू स्टेटमेंट है। लैक ऑफ पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट इन द बॉडी कैन कॉज डिसऑर्डर, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। इसके बाद हम लोग डी नंबर करेंगे। डी नंबर में आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड, जिसमें करेंगे लैक ऑफ विच विटामिन लीड्स टू स्कर्वी। इसका आंसर होगा विटामिन सी। व्हाट इज द अदर नेम गिवन टू द डायट्री फाइबर, इसका आंसर होगा रफेज। स्वेलन ग्लैंड इन नेक इज ए सिम्टम ऑफ विच डिसऑर्डर, तो लिखेंगे इसमें ग्वाइटर, GOITRE। नेम चौथा नंबर डी का फोर नंबर, नेम एनी वन सोर्स ऑफ फैट, इसमें देंगे मिल्क। नेम ए वे बाय विच वाटर रिमूव्स टॉक्सिन फ्रॉम द बॉडी, लिखेंगे स्वेट और यूरिन। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे ई नंबर में करेंगे जो क्वेश्चन आंसर है, शॉर्ट है ई नंबर में पहला करेंगे ई नंबर पहला करेंगे व्हाट आर द टू कैटेगरीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। व्हाट आर द टू कैटेगरीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, गिव टू एग्जांपल ऑफ ईच। इसका आंसर हम करेंगे शुगर एंड स्टार्च आर द टू कैटेगरीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। शुगर फ्रूट्स और हनी में पाया जाता है, जबकि स्टार्च राइस और व्हीट में पाया जाता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन ई का टू नंबर, नेम फोर प्रोटीन रिच फूड एंड दियर सोर्स, इसमें लिखेंगे मीट, पल्सेज, सोयाबीन, चीज आर द फोर प्रोटीन रिच फूड आइटम्स। इनमें एनिमल प्रोटीन हो गया मीट एंड चीज, एनिमल प्रोटीन सोर्स हो गया मीट एंड चीज, एंड प्लांट प्रोटीन सोर्स हो गया पल्सेज एंड सोयाबीन। अगला इसमें थ्री नंबर क्वेश्चन है व्हाई आर डायट्री फाइबर इम्पोर्टेंट, तो लिखेंगे डायट्री फाइबर हेल्प्स इन इजी बाउल मूवमेंट, इंश्योरिंग रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड, देयर बाय प्रिवेंटिंग कंस्टिपेशन। ये थ्री नंबर का आंसर हुआ। अब फोर नंबर में चलेंगे
व्हाट इज ए बैलेंस्ड डाइट, ए डाइट दैट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट प्रोपोर्शन फॉर अस टू स्टे हेल्दी एंड फिट इज कॉल्ड ए बैलेंस्ड डाइट। अब हम लोग पाँच नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे, व्हाट आर डाइटरी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, व्हाट आर डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, नेम द डिसऑर्डर कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। इसका आंसर हम लोग करेंगे, द डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट फॉर लॉन्ग टाइम आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। द डिसऑर्डर कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन इन द डाइट इज कॉल्ड मैरेस्मस। मैरेस्मस वो डेफिशिएंसी डिजीज है जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में होता है। आगे हम लोग अब पढ़ेंगे एफ नंबर का क्वेश्चन नंबर वन, इसमें है राइट ए नोट ऑन द मेन न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, गिव वन सोर्स ऑफ ईच। पहले का आंसर हम पढ़ते हैं, द फूड वी ईट कंटेन्स सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, द फूड वी ईट कंटेन्स सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी रिक्वायर्स टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी। द मेजर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाई आवर बॉडी आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन एडिशन टू दीज वी नीड रफेज और डाइटरी फाइबर एंड वाटर। वेन ए फूड आइटम हैज पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट इन हायर क्वांटिटी इट इज सेड टू बी रिच इन दैट न्यूट्रिएंट्स एज कंपेयर टू द अदर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन दैट फूड आइटम। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो इज ए कार्बोहाइड्रेट रिच फूड आइटम। कार्बोहाइड्रेट्स, आवर बॉडी रिक्वायर्स एनर्जी टू डू वर्क एंड अदर एक्टिविटीज। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड आर ए मेजर पार्ट ऑफ आवर स्टेपल डाइट ऑफ पीपुल ऑल ओवर द वर्ल्ड। सीरियल्स, राइस, व्हीट, मेज, पोटैटो, टॉपिका, ईटीसी आर द मेजर सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब पढ़ेंगे, अब करेंगे फैट्स के बारे में। फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। फॉर द सेम अमाउंट ऑफ फूड कंज्यूम्ड फैट्स गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। वी गेट फैट्स फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज। फैट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। फैट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू डेवलप इम्यूनिटी इन चिल्ड्रेन, बट टू मच फैट इन द डाइट कैन लीड टू ओबेसिटी। सम सोर्सेज ऑफ फैट आर एग ऑयल, कोकोनट ऑयल, घी, बटर एंड मीट। अब इसके आगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन्स, प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए ह्यूमन बॉडी फुल स्टॉप। दे आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द वॉर्न आउट टिश्यू फुल स्टॉप। वी गेट प्रोटीन फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज फुल स्टॉप। बोथ दाल, व्हीट, स्प्राउट्स, मीट, फिश, मिल्क, चीज आर प्रोटीन रिच फूड। अब पढ़ेंगे, अब करेंगे विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी फुल स्टॉप। देयर आर अबाउट 13 विटामिन्स दैट हैव बीन रिकॉग्नाइज टू बी प्रेजेंट इन द प्लांट एंड द एनिमल सोर्सेज। विटामिन हेल्प अस टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट मेनी डिसऑर्डर्स। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग करेंगे मिनरल्स के बारे में, जो अगला न्यूट्रिएंट्स है। मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग आवर बोन्स स्ट्रॉन्ग, बिल्डिंग मसल्स एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी फुल स्टॉप। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिनरल, मेजर मिनरल एंड ट्रेस मिनरल। दे आर ग्रुप्ड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर टू का आंसर। क्वेश्चन नंबर टू है डिस्क्राइब द कुकिंग प्रैक्टिसेस दैट हेल्प रिटेन द न्यूट्रिएंट्स इन द फूड। क्वेश्चन नंबर टू को एक बार और पढ़ते हैं, डिस्क्राइब द कुकिंग प्रैक्टिसेस दैट हेल्प रिटेन द न्यूट्रिएंट्स इन द फूड। इसका आंसर करेंगे,
गुड न्यूट्रिशन इज नॉट जस्ट ए मैटर ऑफ सेलेक्टिंग द राइट फूड टू ईट, इट इज ऑल्सो, एक बार और दोहराएं, गुड न्यूट्रिशन इज नॉट जस्ट ए मैटर ऑफ सेलेक्टिंग द राइट फूड टू ईट फुल स्टॉप, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू प्रिपेयर दीज फूड आइटम्स इन वेज दैट मेंटेन दियर न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स फुल स्टॉप. कुकिंग टेक्निक्स कैन हैव ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द फूड वी प्रिपेयर और कुक फुल स्टॉप. सम हेल्दी कुकिंग एंड ईटिंग प्रैक्टिसेज आर गिवेन बिलो. स्टीम द वेजिटेबल्स इन स्टीड ऑफ बॉइलिंग देम. सेकेंड, एक्सपेरिमेंट विथ ए वेराइटी ऑफ वेजिटेबल सलाद्स. यूज होल ग्रेन फ्लावर फॉर ब्रेड और बिस्किट्स. नेक्स्ट, ट्राई मोर फ्रूट डिसेट्स इन स्टीड ऑफ केक एंड कुकीज. नेक्स्ट, चूज फ्रोजन योगर्ट शरबत एंड आइसक्रीम. सर्व केक विथ फ्रूट इन स्टीड ऑफ फ्रॉस्टिंग और व्हिप्ड क्रीम. दैट्स ऑल. इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में अगले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे.